रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवनिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, और इस टॉपिक के अंदर हम इसकी इंटरप्रिटेशन और इसकी इंडिकेशन को देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इवनिंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बिल्कुल अपोजिट है मॉर्निंग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के। ये भी थ्री कैंडल्स का मजमू है, इसके लिए लाजमी है कि जो पहली कैंडल हो वो ग्रीन होनी चाहिए। पहली कैंडल हमेशा ग्रीन हो, दूसरी कैंडल फर्क नहीं पड़ता कि वो ग्रीन है या फिर रेड है, लेकिन तीसरी कैंडल जो होगी वो हमेशा रेड होनी चाहिए। अगर इस तरह का आपको इंटरफेस चार्ट के ऊपर नजर आए तो वो इवनिंग कैंडलस्टिक चार्ट होगा। और उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि अब जो सेलर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, जो बायर हैं वो अब मार्केट से निकल रहे हैं, मतलब आपने एग्जिट करना है वहां से। और ये जो इवनिंग स्टार है ये आपको हमेशा अप ट्रेंड के अंदर नजर आएगा, अप ट्रेंड जब मार्केट ऊपर होगी बिल्कुल। आइए इसे लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जीआरटी यूएसडीटी का 4 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट है, आपने इसे भी हायर टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये चेक करें भाई। यहां मैं इसे मार्क कर देता हूं, ये चेक करें। पहली कैंडल जो है वो ग्रीन, दूसरी कैंडल भी यहां पे ग्रीन बनी, लेकिन उसके साथ जो तीसरी कैंडल बनी वो रेड कलर की बनी। तो उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर, आपने यहां पे एग्जिट कर जाना है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उसे भी लाजमी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां मैं अर्जेंट जो अपडेट होती है मैं वहां पे आप लोगों से शेयर कर देता हूँ।